चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन तीन लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। तो आखिर वो तीन लोग कौन हैं जिनसे हमें कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए? चलिए इसको समझने के लिए एक कौवे की कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक कौवा एक पेड़ के खोखले में रहता था। उसी पेड़ के दूसरे खोखले में एक तीतर भी रहता था। दोनों पक्के दोस्त बन गए थे, अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों सारा दिन अपना भोजन करने के बाद शाम को उसी पेड़ में आकर बातें करते थे और अपने दिल का हाल एक दूसरे को सुनाते थे, कथाएं बताते थे। एक दिन तीतर अपने दूसरों मित्रों के साथ पके हुए धान के देश में चला गया और उसे वहां कई दिन बीत गए। कौवा उसका हर रोज बड़ी बेसब्री से इंतजार करता था। बहुत दिन बीत जाने के बाद जब तीतर वापस नहीं आया, यह देखकर कौवा बहुत दुखी हुआ। कौवे ने उसकी वापसी की उम्मीद यह समझकर छोड़ दी कि शायद उसे किसी ने जाल में फंसा लिया होगा या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई होगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस पेड़ के खोखले में एक खरगोश रहने आया। कौवे ने उस खरगोश को वहां रहने से नहीं रोका। एक दिन अचानक वहां वह तीतर आ गया और खरगोश को रहते देख उनमें झगड़ा हो गया। तीतर कहने लगता है कि अरे खरगोश, तूने मेरे घर पे कब्जा क्यों किया है? तू यहां से चला जा। खरगोश जवाब देता है, क्या तुम नहीं जानते कि नदी, नाले, कूप, पहाड़ आदि के घरों का ये नियम है कि जो भी इन पर कब्जा करता है ये उसी के हो जाते हैं। दोनों का झगड़ा बढ़ता ही चला जाता है। दोनों ने किसी ज्ञानी पुरुष के पास अपना न्याय के लिए जाने का निर्णय किया। मित्रों, रास्ते में झगड़ते हुए जाते समय उनको एक बिल्ली ने देख लिया। यह देख बिल्ली हाथ में माला लिए आंख बंद किए जोर जोर से प्रवचन करने लगी। दोनों ने यह देखा और कहने लगे कि ये बिल्ली बहुत ही ज्ञानी लगती है, पर हमारी दुश्मन भी है, इसलिए हम दूर से ही उससे पूछते हैं। दोनों बिल्ली से पूछते हैं, स्वामी, क्या आप हमें न्याय दे सकते हैं? बिल्ली कहती है, बालकों, चिंता मत करो और मेरे पास आओ, जिससे मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक ज्ञान दे सकूं, जिससे तुम न्याय पा सको। दोनों ने सोचा, यह बिल्ली बहुत ही ज्ञानी है, इसलिए यह हमें नहीं खाएगी, हमें इसके पास जाना चाहिए। यह विश्वास करके दोनों बिल्ली के पास चले जाते हैं और मौका देख बिल्ली उनको झपट लेती है और दोनों को खा जाती है। मित्रों, इस कहानी से बेहद ही शिक्षात्मक और बेहद ही रोचक सीख मिलती है कि नीच और लालची को अपना स्वामी कभी नहीं बनाना चाहिए, वरना आप नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, गीता और पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि हमें किन चार लोगों से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए और उन पर जिंदगी में कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। उन चारों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। नंबर एक पर है वो लोग जो आपकी मदद तो नहीं करते, लेकिन जब उनको मदद की जरूरत होती है तो आपसे कोई ना कोई बहाना करके आपसे काम निकलवा लेते हैं। दूसरे नंबर पर मित्रों ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं और अपने लालच के लिए वो किसी को भी अपने चुंगल में फंसा लेते हैं और उनका शोषण करते हैं। तीसरे नंबर पर ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो बाहर से बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से जब हम उनके साथ कुछ दिन गुजार लेते हैं तब हमको उनकी असलियत का पता चलता है। और चौथे नंबर पर ऐसे लोग होते हैं मित्रों जो विपत्ति आने पर हमारा साथ तो देते हैं, लेकिन जब उनका समय आता है तो वो बहुत ही दुष्टतापूर्वक व्यवहार करते हैं और हमसे अपना पूरा कर्ज वसूल लेते हैं। अगर हम मदद नहीं करते तो वो हमारा और भी शोषण करते हैं और हमें चुंगल में फंसाकर अपना जीवन यापन आराम से करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।